Hello, so students, how are you? I hope you all are good. So, today we are going to learn this beautiful poem, which name is Rain in Summer. So, let's begin. How beautiful is the rain after the dust and heat in the broad and fiery street in the narrow lane? How beautiful is the rain? सो so ये रिलेट करती है पोंग किससे बच्चे रेन से समर में जब रेन आती है तो कितनी ब्यूटीफुल लगती है ना और कितना हम इमेजिनेशन करते हैं तो हमें भी कितना अच्छा लगता है लेकिन ये कब आती है क्योंकि समर में बहुत सारा डस्ट होता है हीट होती है और उसके बाद हम रेन देखने को मिले तो वो हमें बहुत हैप्पी है ना बहुत फील कराती है कि हमें बहुत अच्छा फील होता है और उस टाइम पे क्या होता है इन द ब्रॉड एंड फायरी स्ट्रीट फायरी मतलब होता है बहुत मतलब जब सन पूरा हीट करता है ना तो वो बहुत फायरी हो जाती हैं बहुत उसके अंदर से कहते हैं बिल्कुल बहुत ज्यादा वेरी हॉट को यहाँ पर बोला गया है कि स्ट्रीट वेरी हॉट हो जाती हैं और उसके ऊपर बहुत नैरो लेन होती है वहां पर और वो भी हॉट हो जाती हैं उसके बाद उसके ऊपर बारिश होती है तो वो कितनी सुंदर लगती है हाउ ब्यूटिफुल इज द रेन हाउ इट क्लेटर्स अलॉन्ग द रूफ्स लाइक द ट्रैम्प ऑफ हूस हाउ इट गश इज एंड स्ट्रगल आउट फ्रॉम द थ्रॉट ऑफ spout। ओवर स्पाउट so, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं किस तरह से जो क्लैटर्स है जो रूफ के साथ में लगे रहते हैं ना और ट्रैम्प ऑफ वहाँ पे किस तरह से हमें दिखाई देता है आवाज आती है पानी की गश इज एन स्ट्रगल आउट और कभी देखा होगा आपने पिक्चर के अंदर भी आप देख पा रहे होगे बच्चे कि, कि किस तरह से जो गटर्स है यहाँ पे गटर्स की भी बात की जा रही है तो ओवरफ्लो हो जाते हैं ना ओवरफ्लोइंग स्पाउट तो स्पाउट मतलब ये यहाँ पर जो पाइप नजर आ रहा है जो रूफ से टच होते हुए और उसके अंदर से किस तरह से पानी ओवरफ्लो करने लग जाता है ना ओवरफ्लो होते हुए तो यहाँ पर इस तरह से हम इमेजिनेशन करते हैं अपने बारिश के टाइम पे और समर के बाद इस तरह से हमें फील भी होता है हम चीज़ों को आपस में पूरे एनवायरमेंट के अंदर ये चीज़ें ऑब्जर्वेशन में भी आती हैं कि किस तरह से हमारी जो नालियाँ होती हैं जो रोड होते हैं जो हमारी स्ट्रीट्स होती हैं है ना वो सब चीजें ओवरफ्लो होकर चलने लग जाती हैं अक्रॉस द विंडो पेन इट पोर्स एंड पोर्स एंड स्विफ्ट एंड वाइड विद अ मडी टाइड तो यहाँ पर विंडो विंडो पेन के साथ साथ में क्या दिखाई देता है कि वहाँ पे बारिश की बूंदे वहां पर पोर हो रही है, पोर्स and पोर्स है ना कि ऐसा लग रहा है कोई पानी गिरा रहा है उसके ऊपर से और इस तरह से वहां पर लाइन नजर आती है एंड स्विफ्ट एंड वाइड विद मडी टाइड लाइक अ रिवर डाउन द गटर रोड द रेन द वेलकम रेन तो यहाँ पर बता रहे हैं कि वही चीजें रिपीट कर रहे हैं। कि यहाँ पर बताई गई है कि जो रोड होती है कैसी मडी हो जाती है क्योंकि पानी ज्यादा गिरता है तो उसके बाद वो मडी हो जाती हैं और रिवर्स डाउन द गटर्स और ऐसा लगता है कि पूरी नदी बन के चल रही है और वो गटर में गिर रही है और हम क्या करते हैं रेन को वेलकम वेलकम यस तो इस तरह से रेन को पूरा देखा गया है कि कैसे एनवायरमेंट के अंदर जब रेन होती है तो कैसे इंजॉय करते हैं और किस तरह का वहां का व्यू होता है तो ये पोम लिखी हुई so, है बच्चे एच डब्ल्यू लॉन्ग फेलो के थ्रू सो एप्रिसिएशन ऑफ द पोम भी पढ़ लेते हैं इन दिस पोम एच डब्ल्यू लिंग फेलो हैज ब्यूटिफुली डिस्क्राइब्ड रेन आफ्टर द ड्राई हीट ऑफ समर इट बीट्स डाउन ऑन द रूफ्स एंड फिल्स द रेन्स पाउड्स एंड गटर्स तो वही चीज़ बताइए यहाँ पर भी जो हमने पोम के अंदर पढ़ा है कि एच डब्ल्यू लॉन्ग फेलो क्या ब्यूटिफली डिस्क्राइब कर रहे हैं कि समर हीट ऑफ समर के बाद ड्राई हो गया है सब चीजें और उसके बाद रेन को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कैसे रूफ्स में और फिल ऑफ रेन स्पाउट्स एंड गटर्स तो गटर्स हो गए स्पाउट्स हो गए वो कैसे पूरे रेन वाटर से ही फिल होकर और ओवरफ्लो करने लग जाते हैं तो छोटी सी वो है बच्चे इसको रीड आउट करेंगे और इससे रिलेट करती हुई एक्सरसाइज को डू योर सेल्फ